नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की फीस आप फोन पे, गूगल पे या भीम या जो बाकी जो यूपीआई ऐप है उनको यूज करके आप किस तरीके से बड़ी आसानी से जमा करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड नंबर नहीं डालना, आपको क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं डालना, इंटरनेट बैंकिंग नहीं डालनी और स्पेशली ओटीपी का वेट नहीं करना, सीधा मोबाइल से आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसमें जो सक्सेसफुल रेट है वो भी लगभग 100% के करीब है, मतलब ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस भी इसमें नहीं है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लैपटॉप पर ये मैंने ओपन किया हुआ है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके केवीएस स्टूडेंट फी लॉगिन करके आपको सर्च करना है। ये जब आप सर्च करेंगे तो टॉप रिजल्ट आ जाएगा ipay.unionbankofindia.co.in/kvfee। इस लिंक को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इस लिंक को ओपन करने के बाद क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट और यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो यूआईडी है, डेट ऑफ बर्थ है वो मालूम होगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको पूरी फीस इसमें जमा करवा के बताऊंगा कि यूपीआई की हेल्प से आप बड़ी आसानी से कैसे फीस जमा कर सकते हैं। स्टूडेंट यूआईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। ये पेज आपके पास आ जाएगा, वेलकम और स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। मेक पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए फीस आ गई है, मोबाइल नंबर लिखते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं जो भी रिक्वायर्ड है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर और यूपीआई। यहाँ पर क्यूआर कोड को सिलेक्ट करना है, सबसे आसान तरीका मुझे ये लगा, बड़ी आसानी से जल्दी फीस जमा हो जाती है इसमें और ट्रांजेक्शन फेल होने के चांस भी नहीं है। क्यूआर को सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए क्यूआर को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो आपके पास आएगी, क्लिक हियर टू स्कैन। तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड स्कैन करना है। आप चाहे तो आपका वर्चुअल प्राइवेट जो एड्रेस है वो भी डाल सकते हैं, वीपीए का एड्रेस, फिर आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, वहां से आप अलाउड कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका ये है क्यूआर कोड के थ्रू करें। तो ये क्यूआर कोड आपके सामने आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल पर फोन पे या गूगल पे ओपन करना है और उसमें क्यूआर स्कैन का जो ऑप्शन है उससे आपको इस कोड को स्कैन करवा लेना है। किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा मोबाइल है तो मैं इसमें गूगल पे के थ्रू करता हूं। सपोज गूगल पे को ओपन करेंगे, गूगल पे को ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसके लेफ्ट साइड के टॉप पर ये जो स्कैनर दिया हुआ, यहां से देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड का स्कैन है, इससे आपको इसको स्कैन कर लेना है। इसी तरीके से अगर आप फोन पे पर काम कर रहे हैं तो फोन पे का भी ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फोन पे पे हैं तो फोन पे को ओपन करें और फोन पे पर भी ये क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है। फोन पे भी देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप इस कोड को स्कैन कर लेंगे। तो मैं अपना मोबाइल लाता हूँ और इस कोड को स्कैन कर लेता हूँ। तो ये देखिए गूगल पे मैंने इसमें ओपन किया है। गूगल पे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे के ये जो राइट साइड के टॉप पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और ये जो कोड इसमें आ रहा है इस कोड को हमको इसमें से स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद ये देखिए इसमें ऑटोमेटिक गूगल पे में आपका अमाउंट आ जाएगा। इस पर टिक लगाएंगे, आपका नीचे से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे, जो भी आपकी यूपीआई की पिन है उस पिन को यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये काम आपको मोबाइल में करना है। जैसे ही आपका मोबाइल पर ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होगा ये विंडो जो डेस्कटॉप पर जो विंडो आ रही है ये विंडो इसमें ऑटोमेटिक हट जाएगी। मोबाइल पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो विंडो यहाँ से हट जाएगी और ये विंडो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड। अब यहाँ पर हमको वेट करना। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ से आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए रिसिप्ट भी यहाँ पर तुरंत आ गई है। तो मुझे उम्मीद है ये जो यूपीआई की फैसिलिटी है इसके थ्रू आप बच्चों की फीस जरूर जमा करेंगे और इसका लाभ जरूर उठाएंगे। अगर ये सारा काम आपको मोबाइल में करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमको दो मोबाइल चाहिए। एक मोबाइल में हम क्या करेंगे, ये जो यूनियन बैंक की साइट है फीस पेमेंट वाली, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, इसमें वो क्यूआर कोड ओपन कर लेंगे और दूसरा मोबाइल वो होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्यूआर कोड को स्कैन करें, जिसमें यूपीआई आपका एक्टिवेटेड हो और जिससे आप पेमेंट कर पाएं। तो दो मोबाइल की हेल्प से ये सारा काम आप मोबाइल पर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी पेरेंट के साथ इसको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।